अमर शहीद पंडित राम प्रसाद रिसमिल के जयंती के अवसर पर जिला जेल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान जिला जेल के जेलर प्रेम सागर शुक्ला ने जेल में बने पंडित राम प्रसाद रिसमिल के मूर्ति पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी, जिसके संबंध में जिला जेल के जेलर प्रेम सागर शुक्ला ने बताया कि अमर शहीद पंडित राम प्रसाद रिसमिल की जयंती जिला जेल में धूमधाम से मनाई जा रही है। आज सुबह ही सर्वप्रथम पंडित राम प्रसाद रिसमिल की प्रतिमा को नहला धुलाकर माल्यार्पण कर आरती की गई, क्योंकि आज के दिन ही अमर शहीद पंडित राम प्रसाद रिसमिल का जन्म हुआ था तथा गुरु गोरक्षनाथ की धरती पर बड़ी श्रद्धा पूर्वक उन्हें याद किया जाता है। उन्होंने कहा कि अमर शहीद पंडित राम प्रसाद रिसमिल की जयंती पर आम जनमानस को यह संदेश देना चाहता हूं कि आज के दिन को हमेशा याद रखें। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत देश को आज़ाद हुए 75 साल पूरे हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि अमर शहीदों को याद करने व श्रद्धांजलि अर्पित करने का संदेश जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री ने दिया है, उसका पालन करते हुए अमर शहीद को याद करें व उनके दिखाए गए मार्ग पर चलें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला जेल के जेलर प्रेम सागर शुक्ला ने कहा, अमर शहीद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की जयंती जिला कारागार गोरखपुर के इस प्रांगण में बड़े ही उत्साहपूर्वक मनाई जा रही है। आज सुबह से ही सुबह सर्वप्रथम यहाँ पर पंडित जी की प्रतिमा को नहला धुला कर के माल्यार्पण किया गया, आरती की गई, और आज ही के दिन पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जैसे अमर सपूत का जन्म हुआ था और इस पावन धरा पर गुरु गोरक्षनाथ की धरती पर इस अमर बलिदानी को बड़े ही श्रद्धापूर्वक याद किया गया। सर, कुछ संदेश देना चाहेंगे आज के दिन? आम जनमानस को मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि आज के दिन को हमेशा याद रखें और ऐसे अमर सपूत को याद करें। आज़ादी के अमृत महोत्सव के इस वर्ष में 75 साल पूरे हो रहे हैं और इस अवसर पर देश के अमर शहीदों को याद करने, श्रद्धांजलि अर्पित करने का जो संदेश हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है, उसको अक्षरशः पालन करते हुए देश के अमर सपूतों को याद करें तथा उनके आदर्शों पर चलने का प्रयत्न करें। जय हिंद।